हेलो, वेलकम टू अ स्मार्ट ब्रेन ट्यूटोरियल, जिसमें आज हम करेंट अफेयर्स में वो टॉपिक को लेके सामने आपके सामने हैं जो मैपिंग वर्ल्ड, कहने का मतलब वैसे कंट्री के बारे में जो क्या न्यूज में बना हुआ है। और जैसा आप लोग को बताए थे कि हर दिन हम वैसे करेंट अफेयर्स को आपके सामने रखूंगा और वैसे देश के बारे में पढ़ेंगे जो क्या न्यूज में बना हुआ है। और आज किसके बारे में देख रहे हैं? साउथ सूडान के बारे में, मतलब दक्षिणी सूडान। और जैसा आप लोग को बताए थे कि ये सूडान से, मतलब दक्षिण अफ्रीका जो कंटिनेंट है, महाद्वीप है, उसका सबसे बड़ा देश है, मतलब सबसे न्यू देश है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। और साउथ सूडान जिसका कैपिटल कहाँ है सो देखेंगे, इसकी मुद्रा कौन सा है, यहाँ हेरिटेज कौन कौन सा है। तो इसका जो राजधानी है जूबा, जूबा किसका, साउथ सूडान की राजधानी है। उसके बाद क्या कह रहा है कि मुद्रा क्या है, साउथ सूडानी पाउंड। पाउंड जैसा आप लोग जानते हैं और जगह की मुद्रा है, लेकिन यहाँ की मुद्रा कौन सा है, साउथ सूडानी पाउंड। उसके बाद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, सलवा कीर मायदिर्त, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ के, साउथ सूडान के। उसके बाद इसके पड़ोसी देश तो सूडान, इथोपिया, केन्या, युगांडा, कांगो और सेंट्रल अफ्रीका। क्या पढ़े कि साउथ सूडान का कौन कौन सा नाइबरिंग कंट्री है, मतलब पड़ोसी देश है, तो सूडान, इथोपिया, केन्या, युगांडा, कांगो, सेंट्रल अफ्रीका। और इससे क्वेश्चन कैसा बनता है, पूछा जाता है ना कि निम्न में से कौन सा देश साउथ सूडान के पड़ोसी देश नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। और आने वाले जो भी एग्जाम देखेगा, पीछे के जो भी एग्जाम में देखे होंगे, जो अच्छा लेवल का एग्जाम होता है उसमें ऐसा पूछा जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो दक्षिणी सूडान है अफ्रीका में स्थित एक स्थल अवरुद्ध देश है। जैसा आपको बताए थे कि लैंडलॉक कंट्री किसको कहते हैं, वैसा देश जिसका कोई एरिया, जैसे मानिए कि इंडिया, तो इंडिया का नीचे वाला एरिया देखेगा तो इस तरफ अरेबियन सी, इस तरफ बे ऑफ बंगाल और इस तरफ इंडियन ओशन है, इंडिया का बाउंड्री टच कर रहा है। लेकिन ये जो साउथ सूडान है यहाँ का बाउंड्री कोई वाटर बॉडी से, मतलब जलीय क्षेत्र से नहीं टच करता है, इस कारण से साउथ सूडान को क्या कहते हैं, लैंडलॉक देश कहते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सफेद नील दक्षिण सूडान की सबसे लंबी नदी है। बताए थे आप लोग को कि जो ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों मिलता है, और दुनिया की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी तो अमेज़न, लेकिन सबसे लंबी नदी कौन, नील का निर्माण करती है। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट किनेरी। उसके बाद क्या कह रहा है, दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे नया देश है। जैसा बताएं कि ये क्या था, पहले जो सूडान था इसी का हिस्सा था, लेकिन बाद में एक अब 2011 में सूडान से अलग होके क्या बना नया, जिसका नाम क्या रखा गया, दक्षिणी सूडान, जैसे बिहार से अलग होके झारखंड बना था। और क्या कह रहा है कि दक्षिण सूडान में कोई भी यूनेस्को साइट नहीं है। जैसा देख रहे थे कि हर जगह कोई ना कोई यूनेस्को साइट था, तो यही था किसके बारे में, साउथ सूडान के बारे में। और यहीं पे ये वीडियो लास्ट होता है।